नमस्ते स्टूडेंट्स, माय सेल्फ डॉक्टर कुमुल राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कौमारभृत्य, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, विमेंस यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मम्स एंड मिजल्स के बारे में, जो कि एक इन्फेक्शियस प्लस कम्युनिकेबल डिजीज है। तो ये इन्फेक्शियस जो डिजीज है मम्स एंड मिजल्स, ये सीजनल होती है। इनका विंटर सीजन में बहुत ज्यादा स्प्रेड होता है, तो जो अप टू 5 ईयर्स तक की एज के बच्चे जो है वो इससे बहुत जल्दी ग्रसित होते हैं। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मम्स एंड मीजल्स के बारे में। सो स्टार्ट विथ मम्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मम्स की डेफिनेशन हम ये जानेंगे कि मम्स होता क्या है। इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में, मम्स इज एन इलनेस कैरेक्टराइज बाय अक्यूट ऑनसेट, यूनिलेटरल और बाइलेटरल टेंडरनेस, सेल्फ लिमिटेड स्वेलिंग ऑफ द पैरोटिड और अदर सेलाइवरी ग्लैंड दैट लास्ट एटलीस्ट 2 डेज एंड हैज नो अदर अपेरेंट कॉजेस। जैसे कि मम्स के बारे में बताया गया कि मम्स एक प्रकार की अक्यूट, अक्यूट मीन्स कि जो जल्दी शीघ्र ही होने वाली बीमारी है, जिसमें कि हमारे शरीर की या तो दोनों पैरोटिड ग्लैंड या फिर एक यूनिलेटरल और बाइलेटरल पैरोटिड ग्लैंड या जो हमारी सेलाइवरी ग्लैंड से अदर सेलाइवरी ग्लैंड पैराइडल, सब लैक्राइमल और सब मैंडिबुलर है ना, इनमें से तीनों में से कोई भी एक यूनिलेटरल और बायलेटरल अगर दोनों में स्वेलिंग आ जाती है, क्योंकि मम्स जो है इंफेक्शियस डिजीज है, तो मम्स का जो वायरस है वो क्या करता है इनमें स्वेलिंग कर देता है। तो इस स्वेलिंग की वजह से ये दोनों लिम्फ नोड स्वेल हो जाते हैं और फिर पेशेंट में अदर सिम्टोमेटिक सिम्टम्स भी आते हैं 2 दिन के अंदर अंदर। इटियोलॉजिकल एजेंट की बात करें तो मम्स जो है मम्स जैसे कि मैंने बताया आपको एक वायरल डिजीज है। सो मम्स इज कॉज्ड बाय पैरामिक्सोवायरस। पैरामिक्सोवायरस विद द नेगेटिव स्ट्रेंथ, सॉरी नेगेटिव स्ट्रेंथ नॉन सेगमेंटेड आरएनए जीनोम, मतलब कि मम्स जो है वो यू कह दीजिए कि मम्स जो है आरएनए जीनोम का है, मतलब जो वायरस स्ट्रेंथ होते हैं डीएनए के होते हैं या फिर आरएनए जीनोम के होते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं तो मम्स जो है वो एक आरएनए जीनोम का है। 12 मम्स वायरस जीनोटाइप्स हैज बीन आइडेंटिफाइड। अब तक 12 मम्स के वायरस जो है वो डिटेक्ट हो चुके हैं। द वायरल जीनोम इज सराउंडेड बाय होस्ट सेल डिराइव्ड लिपिड बायलेयर। तो ये जो मम्स वायरस होते हैं इनके जो जीनोम होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया आरएनए जीनोम है, तो ये क्या करते हैं होस्ट सेल से डिराइव होकर लिपिड बायलेयर, लिपिड की इस पे 2 लेयर होती है। अगर हम इसके वायरस की अब मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी तो उसके अकॉर्डिंग इस पे लिपिड की बायलेयर 2 लेयर होती है, ठीक है। और ये वायरल वायरस से बना होता है, ठीक है, वो भी लिपिड की लेयर होती है। इसके अलावा इसके अगर अदर एपिडेमियोलॉजी चेक करें तो अदर एपिडेमियोलॉजी में बताया कि मम्स इज एन एंडेमिक वर्ल्ड वाइड विद एपिडेमिक एवरी 3 to 5 ईयर इन अनवैक्सीनेटेड पीपल्स। अनवैक्सीनेटेड जो पीपल है, क्योंकि मम्स मिजल्स रूबेला एमएमआर के बच्चों में 9 मंथ पे जो होता है इंजेक्शन लगाए जाते हैं, वैक्सीनेशन होता है। लेकिन अगर जिन बच्चों को नहीं वैक्सीनेशन हुआ है वहां पे भी ये एंडेमिक रूप में 3 से 4 वर्ष, हर 3 से 4 वर्ष में पॉपुलेशन में मम्स का जो है स्प्रेड देखा जाता है। सो दीज एपिडेमिक टिपिकली अकर इन अ लोकेशन वेयर चिल्ड्रंस एंड यंग एडल्ट कॉन्ग्रीगेट सच एज स्कूल, मिलिट्री बैरिक एंड अदर इंस्टीट्यूशन। मतलब ऐसे बताया गया है कि चिल्ड्रंस जो है यंग हो चाहे एडल्ट हो, वहाँ पे और इन स्कूलों में एपिडेमिक तौर पे, क्योंकि अगर मम्स से अगर एक बच्चे में होगा तो वो जैसे कि मैंने बताया इन्फेक्शियस है तो वो दूसरे बच्चे में भी स्प्रेड होगा। तो इस प्रकार ये एपिडेमिक तौर पे हर 3 से 4 साल में फैलता ही है। इसके बारे में बता रहा था कि 2001 में 300 केसेस रिपोर्टेड हुए थे, रिप्रेजेंटिंग 99.8% रिडक्शन फ्रॉम प्री वैक्सीनेशन एरा लेवल। फिर बाद में क्या हुआ, 2001 में जब इस प्रकार केसेस रिपोर्ट होने लगे तो फिर अब जब से प्री वैक्सीनेशन कर दिया गया है इन मम्स मिजल्स रूबेला के लिए, तो अब इनके केसेस में डिक्रीजमेंट देखा गया है। पैथोजेनेसिस की बात करें तो पैथोजेनेसिस जो मम्स का है, मैंने बताया वायरस एंड वायरल इन्फेक्शन है, तो ह्यूमन आर द ओनली नेचुरल होस्ट फॉर मम्स वायरस इन्फेक्शन। सो द इंक्यूबेशन पीरियड्स ऑफ मम्स इज अबाउट 19 डेज, रेंज इज 7 to 23 डेज। तो इंक्यूबेशन पीरियड आप याद रखें 7 से 23 दिन, 7 से 23 दिन
इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। सो द वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय रेस्पायरेटरी रूट। रेस्पायरेटरी रूट कहते हैं यहाँ पे ड्रॉपलेट मेथड से इस वायरस वायरस का ट्रांसमिशन देखा गया है ना। फिर इसके बाद में इसमें लिखा भी है द वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय रेस्पायरेटरी रूट वाया ड्रॉपलेट सलाइवा एंड फोमिटिस। इसके अलावा मम्स वायरस इज द टिपिकली शेड फ्रॉम 1 वीक बिफोर टू 1 वीक आफ्टर सिम्टम ऑनसेट, ऑल्दो दिस विंडो अपियर्स टू नैरोइंग इन वैक्सीनेशन इंडिविजुअल्स। तो मम्स वायरस जो है टिपिकली 1 वीक के बाद अपने आप ही इसके सिम्टम्स जो है वो कम होने लग जाते हैं। और इसका विंडो पीरियड जब रहता है तब तक अगर आप वैक्सीनेशन करवाएंगे तो विंडो पीरियड और भी कम हो जाता है, लेकिन अगर वैक्सीनेशन नहीं है तो फिर ज्यादा बढ़ेगा। तो इसीलिए मम्स वायरस जो है वो 1 वीक तक चलता है, 1 वीक, और 1 वीक से पहले इसके सिम्टम्स सारे आ जाते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 7 से 23 दिन का बता रखा है, तो 1 वीक के अंदर ही वायरस अपने आप में फैल के वापस खत्म हो जाता है। लेकिन अगर वैक्सीनेटेड है बच्चे तो ये विंडो पीरियड और भी कम होगा। इसके अलावा पर्सन द मोस्ट कॉन्टेजियस 1 to 2 डेज बिफोर ऑनसेट ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स। क्लिनिकल सिम्टम्स आने से पहले भी 1 से 2 दिन पहले ही जो बच्चा है वो कॉन्टेजियस हो सकता है, दूसरे बच्चों को ये डिजीज स्प्रेड कर सकता है। इन्फ्लुएंस फ्रॉम रिलेटेड रेस्पिरेटरी डिजीज इंडिकेटेड दैट प्राइमरी रेप्लिकेशन लाइकली अकर्स इन द नेजल म्यूकोसा एंड अपर रेस्पिरेटरी म्यूकोसल एपिथेलियम। मतलब कि अगर रेस्पिरेटरी डिजीजेस अगर है इसी से रिलेटेड तो कहाँ से स्प्रेड होगी, नेजल म्यूकोसा से, फिर अपर रेस्पिरेटरी जो म्यूकोसा एपिथेलियम उसमें भी स्वेलिंग आएगी। तो एक तरह से मम्स के सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक लक्षण तो मिलेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ अदर रेस्पिरेटरी डिजीजेस होने के भी चांसेस रहते हैं। मोनोन्यूक्लियर सेल्स एंड सेल्स विद इन रीजनल लिम्फ नोड्स कैन बिकम इन्फेक्टेड। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड डिस्वेल्ड हो रही है, लेकिन अगर अगर ये इन्फेक्शन बॉडी में और फैलता है तो जो भी आसपास के रीजनल लिम्फ नोड है वो भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे और उनमें स्वेलिंग आ जाएगी। फर्दर सच इन्फेक्शन फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ वायरेमिया एंड पोज अ रिस्क फॉर अ वाइड एरा ऑफ अक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। तो ऐसे अगर इन्फेक्शन अगर बॉडी में बढ़ते हैं तो वायरेमिया की कंडीशन हो जाएंगे कंडीशन आ जाएगी और अक्यूट इन्फ्लेमेशन की रिएक्शन जो है वो बॉडी में दिखती। मीन्स कभी कभी क्या होता है वायरेमिया मतलब ब्लड में वायरस इतना ज्यादा फैल जाता है कि बहुत जल्दी ही पूरे शरीर में स्वेलिंग आ जाती है। तो वायरस वायरल अटैक अगर शरीर में एक बार हुआ है तो वो आगे जाके भी हार्मफुल हो सकता है। अ क्लासिकल साइट ऑफ मम वायरस रेप्लिकेशन इंक्लूड द सलाइवा ग्लैंड, टेस्टिस, पेंक्रिया, ओवरी, मेमरी ग्लैंड एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ पे मम्स वायरस जो है वो कहाँ पर रेप्लिकेट हो सकता है, सलाइवा ग्लैंड में तो होता है, ये टेस्टिस में भी जाके अपना रेप्लिकेशन कर सकता है, ये पेंक्रिया में कर सकता है, ओवरीज में, मेमरी ग्लैंड में और सीएनएस में। सो द वायरस रेप्लिकेट वेल इन द ग्लैंडुलर एपिथीलियम बट क्लासिकल पैराटाइटिस इज नॉट अ नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ मम्स इन्फेक्शन। यहाँ पे ये चीज बता रखी है कि पैराटाइटिस नेसेसरी कंपोनेंट है, लेकिन अगर वायरस रेप्लिकेट अगर ग्लैंडुलर एपिथीलियम में हो रहा है तो जरूरी नहीं कि आपको पैराटाइटिस होगा, ठीक है, मम्स इन्फेक्शन में। अफेक्टेड ग्लैंड कंटेन पेरिवेस्क्यूलर एंड इंटरस्टीशियल मोनोन्यूक्लियर सेल इन्फिल्ट्रेट एंड एग्जिबिट हेमरेज विथ प्रोमिनेंट एडिमा। लाइक यहाँ पे ये कहना चाहता है कि अगर प्री वेस्क्यूलर और इंटेस्टाइनल मोनोन्यूक्लियर सेल इन्फिल्ट्रेशन बन चुका है तो हेमरेज की कंडीशन भी हो सकती है एडिमा से पहले। हेमरेज जो है वो एडिमा के साथ भी मिलेगा और उससे पहले भी मिल सकता है अगर ग्लैंड्स जो है उन्होंने वेस्क्यूलर सिस्टम को भी अटैक कर दिया है तो मम्स वायरस ने, तो ग्लैंड्स के बाद वेस्क्यूलर सिस्टम और बाद में हेमरेज की कंडीशन भी दिखेगी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो अप टू हाफ ऑफ द मम्स वायरस इन्फेक्शन आर एसिम्टोमेटिक और टू नॉन स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी सिस्टम। कहने का मतलब है कि मम्स वायरस का इन्फेक्शन है वो ऐसे कह रहे हैं कि अगर अगर आधे से ज्यादा मम्स इन्फेक्शन जो होते हैं जितने भी इन्फेक्शन या जितने भी एपिडेमिक कंडीशन आती है उनमें आधे से ज्यादा केसेस में तो एसिम्टोमेटिक लक्षण दिखते हैं, लेकिन और नॉन स्पेसिफिकली रेस्पिरेटरी से मतलब सर्दी खांसी जुकाम के सिम्टम तो मिलेंगे, जरूरी नहीं है कि उनकी बॉडी पे अदर और अदर सिम्टम्स आई है, उनकी मेमरी ग्लैंड ये जो सलाइवरी ग्लैंड है ये
अफेक्टेड हो, इनमें स्वेलिंग आए। इन अपेरेंट अफेक्शंस आर मोर कॉमन इन एडल्ट देन इन चिल्ड्रन। अब यहाँ पे ये और बता रखा है कि इन्फेक्शन जो है वो एडल्ट में ज्यादा कॉमन है देन इन चिल्ड्रंस, एंड द प्रोड्रोम ऑफ मम्स कंसिस्ट ऑफ लो ग्रेड फीवर। इसमें बच्चे को सबसे पहले फीवर आता है, मलेज, हाथ पैरों में दर्द, मसल्स पेन, थकान, मसल्स पेन रहती है, हेडेक रहता है, और एनोरेक्सिया, खाने में अरुचि भी बच्चों को देखने को मिलती है। मम पैरोटाइटिस, अब मम्स पैरोटाइटिस मतलब पैरोटिड ग्लैंड में इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, दैट इज पैरोटाइटिस। तो इसमें बता रखा है अक्यूट ऑनसेट यूनिलेटरल और बायलेटरल स्वेलिंग ऑफ द पैरोटिड एंड अदर सेलाइवरी ग्लैंड दैट लेस मोर देन 2 ईयर एंड हैज नो अदर अपेरेंट कॉजेज डेवलप इन 70 to 90% ऑफ सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन। मतलब यहाँ पे बता रखा है कि अगर पैरोटाइटिस कंडीशन है तो यूनिलेटरल बायलेटरल पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग हो सकती है, सेलाइवरी ग्लैंड में 2 दिन से ज्यादा अगर स्वेलिंग है तो अदर कोई और सिम्टम्स नहीं मिलते। ये 70 से 90% लोगों में सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन की तरह मिलता है। यूजुअली विद इन 24 आवर्स ऑफ प्रो डर्मल सिम्टम्स, बट समटाइम एज लॉन्ग एज 1 वीक देयर आफ्टर। वैसे 24 घंटे के अंदर इसके प्रोडर्मल सिम्टम्स आ जाते हैं, लेकिन जो सिम्टम्स है वो 1 वीक तक चलते हैं। पैरोटाइटिस इज जनरली बायलेटरल, पैरोटाइटिस जो है वो बायलेटरल होता है, ऑल दो टू साइड्स में नॉट बी इन्वॉल्व सिंक्रोनसली। पैरोटाइटिस बायलेटरल होता है दोनों साइड्स में, लेकिन जरूरी नहीं कि ये दोनों साइड हो, एक साइड भी रह सकता है। यूनिलेटरल इन्वॉल्वमेंट इज डॉक्यूमेंटेड इज अबाउट 1/3 ऑफ केसेस, 1/3 केसेस के अंदर ये यूनिलेटरल भी पाया जाता है। स्वेलिंग ऑफ द पैरोटिड इज अकम्पनीड बाई टेंडरनेस, अगर स्वेलिंग है तो टेंडरनेस रहेगी, मतलब पेशेंट के अगर हम पैरोटिड ग्लैंड पे हाथ लगा के चेक करना चाहेंगे तो पेशेंट को टेंडरनेस फील होगी और वो चेक नहीं करने देता। एंड ऑब्लिटरेशन ऑफ स्पेस बिटवीन द ईयर लोब एंड द एंगल ऑफ द मैंडिबल, ईयर लोब्स और मैंडिबल का जो ये एंगल है यहाँ पे भी क्या होगा, टेंडरनेस हम देखने को मिलती है। ये जो एंगल बनता है ये ईयर लोब और ये मैंडिबल का जॉइंट, यहाँ पे स्वेलिंग ही पूरी टेंडरनेस मिलेगी। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं पेशेंट के कि भाई पैरोटिड ग्लैंड बड़ी हुई है या स्वेलन है, तो उससे पता चल जाता है कि मम्स इन्फेक्शन है। द पेशेंट फ्रीक्वेंटली रिपोर्ट एंड ईयर एक एंड फाइंड इट डिफिकल्ट टू ईट सोलो एंड टॉक। पेशेंट की हमेशा हमें पेशेंट इस कंप्लेन के साथ मिलता है कि हमारे कान में दर्द है और डिफिकल्ट है हमें खाना, बोलना और निगलना। तो ये सिम्टम्स जो है वो कॉमनली बच्चे में देखने को मिलते हैं। द ऑरिफिस ऑफ द पैरोटिड डक्ट इज कॉमनली रेड एंड सोलन। सो द ये जो पैरोटिड ग्लैंड है इसकी ऑरिफिस जो है वो कॉमनली रेड और सोलन रहेगी। सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स आर इन्वॉल्व लेस ऑफन देन द पैरोटिड ग्लैंड एंड आर ऑलमोस्ट नेवर इन्वॉल्व अलोन। इसमें से बोला है कि ये दोनों ग्लैंड जो है वो कम इन्वॉल्व होती है बजाय पैरोटिड ग्लैंड ज्यादा होती है, तो ऑलमोस्ट नेवर इन्वॉल्व अलोन, और कोई भी ग्लैंड जो है वो अकेली कभी भी इन्वॉल्व होती है। पैरोटिड ग्लैंड के साथ इन दोनों का थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्वमेंट रहता है। ठीक है, ग्लैंडुलर स्वेलिंग इंक्रीज फॉर अ फ्यू डेज एंड देन ग्रेजुअली सबसाइड, सो डिसअपीयरिंग विद इन अ 1 वीक। 1 वीक तक ग्लैंडुलर स्वेलिंग रहेगी ग्लैंड्स में, कुछ दिनों तक तो चलती है और एक हफ्ते बाद ही अपने आप धीरे धीरे सबसाइड हो जाती है। इन 6% ऑफ मम केसेस ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लिम्फेटिक ड्रेनेज सेकेंडरी टू बायलेटरल सेलाइवरी ग्लैंड स्वेलिंग में भी लीड टू प्रीस्टर्नल पिटिंग एडिमा। मतलब कि मम्स केसेस 6% तक जिसमें लिम्फेटिक ड्रेनेज जो वो रुक जाता है, बायलेटरल स्वेलिंग दोनों ग्लैंड्स में मिलती है और इससे प्रीस्टर्नल पिटिंग एडिमा, अगर आप टच करके देखोगे तो उसमें गड्ढा भी पड़ सकता है और वापस उठ भी सकता है। तो ये 6% केसेस में नोट किया गया है। ये देखिए ये पैरोटिड ग्लैंड दिखा रखी है इसमें, ये है पैरोटिड ग्लैंड। और जो स्वेलिंग हो गई मम्स में तो ये इतनी एनलार्ज हो जाती है। स्कीमेटिक डायग्राम है पैरोटिड ग्लैंड का, इसमें इन्फेक्शन विद द मम्स वायरस राइट कंपेयर्ड विद नॉर्मल ग्लैंड राइट एंड लेफ्ट, एंड एनलार्ज सर्वाइकल लिम्फ नोड, सर्वाइकल लिम्फ नोड जो है वो भी स्वेल्ड हो जाते हैं। ठीक है, यूजली पोस्टीरियर टू द इमेजिनरी लाइन, सो वी प्रिंट द परमिशन ऑफ द, ये यहाँ से हमने इसको लिया हुआ है, ये यहाँ से हमने इसका रेफरेंस लिया, उसके बारे में बता। ठीक है, इसके बाद में बता रखा है एपिडिडाइमो और काइटिस इज द नेक्स्ट मोस्ट कॉमन इन्फेस्टेशन ऑफ मम्स, डेवलप इन 15 to 30% ऑफ केसेस इन पोस्ट प्यूबर्टल मेल, इन बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट ऑफ 30 to 10 to 30% ऑफ दोस केसेस, 10 से 15% केसेस के अंदर
ये पोस्ट प्यूबर्टल मेल्स के अंदर जो है ये बाइलेटरल आपको एपिडिडाइमो और काइटिस, मतलब एपिडिडाइमस और किड्स के अंदर स्वेलिंग मिल जाती है, देखने को मिलती है, और काइटिस भी मिलता है कंप्लीट, और काइटिस जगह मिलता है तो मतलब दोनों जो टेस्टिस होते हैं उनमें स्वेलिंग मिलती है, साथ फीवर मिलेगा। टिपिकली अकर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ पैराटाइटिस बट कैन डेवलप अप टू 6 वीक आफ्टर पैराटाइटिस एंड इन इट्स एब्सेंस, सो द टेस्टिस इज पेनफुल एंड टेंडर। सो टेस्टिस जो है वो पेनफुल हो सकते हैं और टेंडरनेस जो है उनमें देखने को मिलती है। सेवरल टाइम्स इट्स नॉर्मल साइज एंड इट्स कंडीशन यूजुअली इन्वॉल्व विद इन अ 1 वीक। सो टेस्टिकुलर एट्रोफी डेवलप्स इन 1/2 ऑफ अफेक्टेड मैन। ये देखिए ये बता रखा है इसमें एपिडिडाइमो और काइटिस, इसमें एपिडिडाइमिस, और ये देखिए ये नॉर्मल है और यहाँ पे स्वेलिंग के बाद इन्फ्लेम्ड हो गई एपिडिडाइमिस, ये एपिडिडाइमिस है, और अगर टेस्टिस के अंदर स्वेलिंग है तो उसे ऑर्काइटिस कहते हैं, और एपिडिडाइमिस पे स्वेलिंग है तो उसको बोलेंगे एपिडिडाइमाइटिस। ठीक है। सो स्टेरिलिटी आफ्टर मम्स इज रेयर, ऑल्दो सब फर्टिलिटी इज एस्टिमेटेड इन अकर 13% ऑफ केसेस ऑफ यूनिलेटरल ऑर्काइटिस। सो ऊफोराइटिस अकर्स इन 5% ऑफ वुमेन विथ मम्स एंड मे बी एसोसिएट विथ लोअर एबडोमेन पेन एंड वॉमिटिंग। सो स्टेरिलिटी एंड प्री मेच्योर मेनोपोज रेयरली बीन एसोसिएटेड एंड मम इन्फेक्शन इज पोस्ट प्यूबर्टल वुमेन मे ऑल्सो प्रेजेंट विथ मेस्टाइटिस। ये देखिए इसमें बता रखा है इन्फ्लेम्ड यूट्रस, इन्फ्लेम्ड ओवरी एंड इन्फ्लेम्ड फेलोपियन ट्यूब। सो विद इन 24 आवर्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स में प्री डोमिनेट इन सीएसएफ, मतलब कि अगर आपके इसमें बता रखा है कि पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियोसाइट्स अगर बढ़ रही है सीएसएफ में तो वो भी देखने को मिलती है। सेकेंड सेकेंड डे नियरली ऑल सेल्स आर लिम्फोसाइट्स, द ग्लूकोज लेवल ऑफ सीएसएफ मे बी लो एंड द प्रोटीन कंसेंट्रेशन हाई। ये सीएसएफ को हम जब चेक करते हैं सीएसएफ को निकालने के बाद तो वहाँ पे हमें ग्लूकोज लेवल तो लो मिलता है लेकिन प्रोटीन कंसेंट्रेशन ज्यादा मिलती है, तो ये बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस का एक कॉज हो सकता है। सो मम मेनिनजाइटिस इज अ सेल्फ लिमिटिंग मैनिफेस्टेशन विदाउट सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ डेथ एंड लॉन्ग टर्म सीक्वेल। और क्रेनियल नर्व पाल्सी भी इसमें देखने को मिलती है एंड मम्स एसोसिएट हेयरिंग लॉस विद द 100,000 में से एक पेशेंट में ये देखने को मिलता है। इन्फेक्शन ऑफ मम्स इससे एनसेफेलाइटिस भी हो सकता है क्योंकि हाई ग्रेड फीवर रहेगा, फीवर के बाद कॉन्शियसनेस सीजर्स एंड लोकल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इलेक्ट्रोएनसेफेलोग्राफ से एबनॉर्मलिटी का पता चलता है और मोर्टेलिटी रेट इसकी बहुत कम है, 1.5% तक। इसके अलावा सेरेब्रल अटैक्सिया रहती है, फेशियल पाल्सी, ट्रांसफर माइलाइटिस, हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन, गुलियन बेरी सिंड्रोम देखने को मिलता है, फ्लैसिड पैरालिसिस एंड बिहेवियरल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं, और पैंक्रियाटाइटिस इससे एब्डोमिनल पेन में 4% केसेस में देखा गया है, मायोकार्डाइटिस मिलता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक एबनॉर्मलिटी भी देखने को मिलती है। तो मम्स इन्फेक्शन इतना ज्यादा सीवियर होता है कि सारे ही सिस्टम्स को ये अफेक्ट करता है। सो अदर यूजुअल कॉम्प्लिकेशंस लाइक थायरॉयडाइटिस, नेफ्राइटिस, आर्थराइटिस, हेपेटिक डिजीज और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, प्रोटूरिया, ये सब भी देखने को मिलते हैं। ये देखिए मम्स के सिम्टम्स बता रखे हैं, हेडेक है, मस्क्यूलर पेन है, पेन इन ईयर, पेन देन ईटिंग, पेन इन बोथ साइड, फीवर रहेगा, हियरिंग लॉस, लॉस ऑफ एपेटाइट, तो ये सब मम्स के नॉर्मल सिम्टम्स हैं। सो डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम कर सकते हैं इसका एचआईवी के साथ, पॉक्सिक्स फीवर्स के साथ, पैरा इन्फ्लुएंजा टाइप 1 टाइप 3 के साथ, इन्फ्लुएंजा ए वायरस, एप्सटीन बायर वायरस, एडिनो वायरस, पैरा वायरस, परवो वायरस एंड लिम्फोसाइट सिस्टिक कोरियम जो मेनिनजाइटिस वायरस और ह्यूमन हर्पिस वायरस 6 के साथ हम इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हैं। और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, माइक्रो बैक्टीरिया है ना, बार्टोनेला स्पीसीज, और इसको जो पैराटाइटिस है वो कैन डेवलप कर सकता है सार्कोइडोसिस, यूरेमिया, डायबिटीज मेलाइटिस, माल न्यूट्रिशन सिरोसिस, ये सब। तो यूरिलेटरल पैराटाइटिस कैन बी कॉज बाय डक्टल ऑब्स्ट्रक्शन, सिस्टिक एंड ट्यूमर। सो लेबोरेटरी टेस्टिस में हम
आरटीपीसीआर करवाती है क्योंकि हमें वायरस का पता लगाना है, इसलिए वो आरएनए स्ट्रैंड है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है वो जरूरी है। आरटीपीसीआर से हम टेस्ट करते हैं आरएनए वायरस का और एक्सट्रैक्ट करके उसके क्लिनिकल सैंपल वगैरह लेके हम उसके सिम्टम्स को जानते हैं। और बक्कल स्वाब ले सकते हैं, इसके अलावा थ्रोट स्वाब लेते हैं, है ना, और मेनिनजाइटिस को चेक करना है तो सीएसएफ का लेते हैं। तो ब्लड के द्वारा हम इसको नहीं जान सकते, इसलिए ब्लड सैंपलिंग लेना गलत है। सो द एबिलिटी ऑफ डिटेक्ट वायरल आरएनए क्लिनिकल सैंपल्स रैपिडली डिमिनिश बियॉन्ड द फर्स्ट वीक आफ्टर सिम्टम ऑनसेट, तो एक हफ्ते से पहले ही हमें इसको लेना है। ठीक है, एलाइजा टेस्ट कराते हैं। एलाइजा टेस्ट इज एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्बेंट एसे भी हम इससे करवाते हैं। और इसकी वैक्सीन लगवा देते हैं जब मम्स की, तो आईजीएम टिपिकली, क्योंकि वैक्सीनेटेड पर्सन जो होते हैं मम्स के उसमें आईजीएम टिपिकली एबसेंट रहती है, सो नेगेटिव आईजीएम रिजल्ट इन वैक्सीनेटेड पर्सन डज नॉट रूल आउट मम्स, तो वहां पे हमें मम्स हम डिटेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि वैक्सीनेटेड पीपल में आईजीएम नहीं होगा। ठीक है, और ट्रीटमेंट में हम इसको देखना चाहें तो हमें पैराटाइटिस के क्लिनिकली सपोर्ट करने वाले क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को हम सब्साइड करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे एनाल्जेसिक को, एप्लीकेशन ऑफ वार्म एंड कोल्ड कंप्रेशन ऑन पैरेटेड एरिया एंड हेल्प इन पेन। इसके अलावा टेस्टिकुलर में अगर है प्रॉब्लम तो हम उसको भी कंप्रेशन करेंगे स्क्रॉटम पे। एनेस्थेटिक ब्लॉक में भी यूज और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ना, और इनका हम यूज कर सकते हैं ऑर्काइटिस में। एनी कॉर्डिटल इंफॉर्मेशन एंड स्मॉल नंबर ऑफ पेशेंट विद ऑर्काइटिस सजेस्ट एससी एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरफेरॉन A2B मे बी हेल्प टू प्रिजर्व द ऑर्गन एंड फर्टिलिटी, इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा लंबर पंक्चर करके हम मेनिनजाइटिस को चेक कर सकते हैं। एंड ग्लोबुलिन हैज नॉट कंसिस्टेंटली शो टू बी इफेक्टिव इन प्रिवेंटिव मम्स बट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट एक्सपोजर एंड प्रोफाइलेक्सिस। सो प्रिवेंशन किसके द्वारा करेंगे, वैक्सीनेशन के द्वारा। 90% वैक्सीनेशन से क्योर हो जाता है। ठीक है, और सेकेंडरी बच्चे स्कूल वगैरह वहाँ पे भी हम इसको मम्स वगैरह के इंजेक्शन लगा के क्योर कर सकते हैं। ठीक है, सो कॉम्बिनेशन हम इस पे एमएमआर का मैं आपको बता चुकी हूँ, क्वाड्रीवेलेंट इंजेक्शन जो है वो हम इसमें लगाएंगे, तो इसमें वेरिसेला वैक्सीन को भी ऐड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये डोज बता रखी है कब को हम इनकी देते हैं। सो ये था हमारा मम्स का आज का सेशन, होप आपको ये सेशन समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी अबाउट मम्स इन्फेक्शन सो यू कैन मी आस्क इन कमेंट बिलो सेक्शन, आई विल ट्राई टू रिजोल्व योर प्रॉब्लम। सो थैंक यू सो मच, नमस्ते।